students, B.A. second year ke paper guidance and counseling निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं निर्देशन के क्षेत्र, अर्थात कि किन किन क्षेत्रों में निर्देशन की जो आवश्यकता हमें अनुभव होती है या निर्देशन का कार्य संभव होता है या निर्देशन किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे निर्देशन के शैक्षिक क्षेत्र। क्योंकि निर्देशन की प्रक्रिया सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है, या यह कहा जाए कि किसी एक केवल विद्यालय स्तर पर या किसी समस्या के समाधान की दृष्टिकोण से ऐसा नहीं। निर्देशन की जो प्रक्रिया है वह हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज आती है शैक्षिक क्षेत्र, जिसमें कि सर्वाधिक रूप से निर्देशन को महत्वपूर्ण माना जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में सबसे पहले है वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करना। तो सबसे पहला क्षेत्र है विषय चयन। विषय चयन यानी कि सब वर्तमान में तो विशेष रूप से बालकों को विषय चयन से संबंधित जो है निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक को स्वयं की रुचि क्षमता और योग्यता के अनुसार अगर वो विषय चयन करता है तो उसके सकारात्मक परिणाम या यूं कहा जाए कि एक सफलता जो है उसे निरंतर रूप से प्राप्त होती है। और यदि इसके विपरीत यदि बालक सही विषय का चयन नहीं करता है, जिस विषय से सकता है उसकी रुचि नहीं है या उसका उस विषय से योग्यता उसमें नहीं है, फिर भी उस विषय का चयन करता है, तो वो वांछित परिणाम वो चाहता है वो परिणाम उसको प्राप्त नहीं। इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि इस एक विषय चयन सही विषय चयन कर लेने पर यह कहा जाए कि जीवन के अंत पड़ाव तक व्यक्ति सफलता हासिल करता है, क्योंकि अपनी उसकी अपनी योग्यता के अनुसार विषय का चयन करता है, उसी के अनुरूप व्यवसाय का चयन करता है, व्यवसाय में दिन प्रतिदिन वह उन्नति और प्रगति कर सकता है। लेकिन अगर बालक को उस चीज का है ही नहीं, अगर उसके अपने अनुचित के अनुरूप विषय का चयन नहीं किया तो निश्चित तौर पर उसके लिए हानिकारक हो सकता है। विषय चयन में महत्वपूर्ण योगदान। दूसरा है पाठ्य सगामी क्रिया। पाठ्य सगामी क्रिया, ठीक है ना, पाठ्य सगामी क्रिया की जो निर्देशन का कार्य क्षेत्र है कि इस पाठ्य सगामी क्रियाओं से संबंधित निर्देशन दिया जाता है कि पाठ्य सगामी गतिविधियां बालक के कौन सी सहगामी गतिविधि में रुचि है, उसकी योग्यता है, क्षमता रखता है, कौन से गतिविधि ऐसी है जिसमें उसके पास संसाधन सुगमता से उपलब्ध जुटा सकता है, उसके साधन जो है उसके पास उपलब्ध है, या जिसको करने से उसको किसी प्रकार की कोई मतलब सामाजिक पारिवारिक आर्थिक किसी तरह से कोई परेशानी ना, तो ऐसी गतिविधि या ऐसी कौशल के विकास के लिए अनिवार्य होता है कि वह सही गतिविधि का चुनाव करें। तो ऐसे में पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी बालक को निर्देशन दिया जाता है कि वो किस तरह की गतिविधि का चयन अपने अनुकूल या उसके बेहतर परिणामों के लिए वो कर सकता है। जैसे कि एक बालक की लेखन क्षमता में अच्छी क्षमता है, अब ऐसे में वह जो पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ हैं उसमें वह उन्हीं गतिविधियों का चयन करेगा जिस व्यक्ति लेखन क्षमता का उसके लेखन कौशल को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि उसमें वह कविता लेखन है, निबंध लेखन है, कहानी लेखन है, ऐसी बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियाँ जो है उसमें वह भाग ले सकता है। तो उसके लिए उसकी लेखन क्षमता को पहचानना कि हाँ ये बालक इस लेखन क्षमता की उसमें लेखन क्षमता है, बहुत अच्छा लिख सकता है, लिखने की योग्यता अच्छी है, तो उसको निर्देशन के माध्यम से उस क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। इसलिए निर्देशन के क्षेत्र में उसी की बात आती है, वह क्षेत्र है पाठ्य सहगामी। उसके बाद है नवीन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेना।
संबंध में निर्णय लेना, यानी कि नवीन पाठ्यक्रम जो उसे अब चयन करना है, कोई नया पाठ्यक्रम आया है उससे संबंधित सूचनाएं आदि जो उपलब्ध करानी है उसके लिए निर्देशन का आवश्यकता है। इसीलिए निर्देशन का जो अगला क्षेत्र है वो नवीन जो पाठ्यक्रम है नवीन सूचनाएं हैं उनसे बालक को अवगत कराना और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। फिर अधिगम प्रक्रिया बना, अधिगम को प्रभावी बनाए रखना, अधिगम प्रक्रिया के निरंतर अपेक्षित संबंधित स्तर को बनाए रखना, अधिगम स्तर को बनाए रखना, अधिगम स्तर को बनाए, यानी कि यहाँ पर बालक का अधिगम स्तर होता है। जैसे कि बालक एक तरह से हम कहें कि बालक 60% अंक लेकर आ रहा है लेकिन उसकी क्षमता है तो 70% ला सकता है, तो अब यहाँ पर निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से जो इसका क्षेत्र है वहाँ बालक किस तरह से अधिगम स्तर 70% तक बना रहे हैं, यानी कि किस तरीके से बहुत स्पीडी से उसको अधिगम करना है, सीखना है, याद करना है, कौन सी जो सोर्सेज है या क्या कहते हैं संदर्भ ग्रंथ है जो है उनकी जो कौन कौन से जो ग्रंथ है उसका वह देख सकता है, उनसे वह पढ़ सकता है, यानी कि रेफरेंसेस कहाँ से लिए जा सकते हैं, कौन से किस तरह से रेफरेंसेस का उसको उपयोग करना है और अधिगम के लिए कौन कौन सी लेकिन और कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसको अपनाकर वो अपने अधिगम स्तर को एक बेहतर स्तर तक लाकर निरंतर कायम रख सकता है। इसीलिए इसका क्षेत्र है अधिगम स्तर को बनाए रखने के लिए बालक को उचित निर्देशन प्रदान कर। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, राष्ट्रीय एकता का विकास, राष्ट्रीय एकता के विकास की बात की जो है उसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती, यानी कि यहाँ पर निर्देशन का अगला क्षेत्र है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, क्योंकि अगर जब तक राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं होगी तो हम संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट नहीं बनाए रख सकते, राष्ट्र की एकजुटता हम नहीं बनाए रख सकते। इसीलिए और फिर जब एकजुटता नहीं होती तो निश्चित तौर पर तनाव या द्वेष या वैरस्य की भावना निरंतर रूप से बना रहे, इसीलिए अनिवार्य है कि राष्ट्रीय एकता का उनकी भावनाओं का विकास, यानी कि बालक को राष्ट्र की एकता के लिए क्या प्रयास करने के लिए विभिन्न धर्म संस्कृति के क्या मूल्य हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, उनके रीति रिवाज परंपराएं क्या है, किस तरह से एक दूसरे की जो है मूल्य परंपराओं और मान्यताओं को जानना, उनको स्वीकार करना, उनका सम्मान प्रदान करना, उनका आदर करना, जिससे कि एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध बन सके। तो ऐसे में जब घनिष्ठ संबंध होने के तभी राष्ट्रीय एकता की कल्पना साकार होती है, इसीलिए राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए भी जो है निर्देशन का कार्य होता है, निर्देशन दिया जाता है। फिर अब लोग Thank you.
शिक्षा प्रयास ठीक है प्रौढ़ शिक्षा है तो प्रयास क्योंकि अगर में अगर प्रौढ़ आयु के जो व्यक्ति हैं जो अशिक्षित हैं और उनकी अशिक्षा का परिणाम ये होता है कि वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते इसलिए अनिवार्य है कि उन्हें भी शिक्षा से जोड़ा जाए तो निर्देशन का कार्य है जो कि इसका क्षेत्र है कि वो प्रौढ़ों को प्रौढ़ आयु के व्यक्तियों को शिक्षा से जोड़े और शिक्षा के महत्व का प्रचार प्रसार करें जिससे कि उनके घर परिवार आस पास के सभी बच्चे शिक्षा से जुड़ सके अगली बात आती है अन्य बातें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का विकास अंतर्राष्ट्रीय भाषा का विकास जिस तरह से राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति मान्यताओं का सम्मान सम्मान स्वीकार करना अनिवार्य वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों की सभ्यता संस्कृति छोटी है हमको एक मतलब कहना चाहिए हम अपने ही दम पर संपूर्ण जीवन को सुगमता पूर्वक जीवन नहीं दे सकते हमको दूसरों की एक आवश्यकता होगी जैसे अभी वैक्सीन कोविड महामारी की जो वैक्सीनेशन है वो सभी राष्ट्रों में डेवलप नहीं हुई है जिन राष्ट्रों में डेवलप हुई वहीं पर उनका उत्पादन हो रहा है या जो उसका उत्पादन कर रहे हैं वहीं पर हो रहा है तो ऐसे में वे राष्ट्र जिनमें उनका उत्पादन नहीं है तो उनको उन राष्ट्रों पर निर्भरता है ऐसी स्थिति को सरल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना अपना अधिकार आशा करती हूँ कि मेरी आज बात समझ में आई कि आज हमने केवल शैक्षणिक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया है नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कोविड महामारी के दौर में आप सुरक्षित रहें मुंह पर मास्क लगाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें